जी ऋषि, आई होप तुम दोनों ठीक हो। अब आपकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ मेरी कट्टू का नाम होना चाहिए। प्लीज, 7 जन्मों तक आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कृतिका है। ये कह रही है देविका, अब तो सगाई कर रहा है ना, तो अब तेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की का नाम लिखा होना चाहिए और तेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लड़की का चेहरा। खबरदार, जो उस लड़की का नाम इस घर में निकाला था। ऋषि, मैंने तुझे किसी रीजन की वजह से बोला था ना। सॉरी दीदी, भूल गया मैं। तुझे सॉरी होने की जरूरत नहीं है और ना मुझे सॉरी होने की जरूरत है। अब तो सॉरी देविका जी होंगी। देविका भाभी, ये क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में जब भी कोई गड़बड़ होती है उसके पीछे उन्हीं का हाथ होता है। मुझे पूरा भरोसा है इससे भी देविका जी बोलते हैं। भैया सुनिए, हमारे पास ना सबूत है ना कुछ। छोड़ यार, हम कुछ किस्मत हम खुद लिखते हैं और हम सारा बैठ लग उठा देंगे। सुमन इंदौरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द इस बार देविका की सच्चाई सबके सामने उजागर होने वाली है और ये सच्चाई कोई और नहीं बल्कि सुमन सबके सामने लेकर आएगी। क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि भाई सुमन को जब से पता चला है कि खाना चोरी हो गया है और यहाँ पर जब से देविका ने हमारे सुमन के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है तब से उसका गुस्सा जो है वो चरम पर पहुंच गया है। और यहाँ पर हमने देखा ही था कि किस तरीके से देविका ने नए जगह से नए रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लिया है 80 लोगों के लिए और इसी बात से हमारी सुमन के मन में कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, कई सारे डाउट्स पैदा हो रहे हैं। सो समझ नहीं आ रहा कि आखिर 80 लोगों को खाना दो एक घंटे में आधे घंटे में कैसे बनना पॉसिबल है। और ये सोच सोच कर सुमन के मन में काफी सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं शक हो चुका है कि भाई इन सभी चीजों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि देविका का हाथ है। और बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा कि भाई हमारी सुमन मैडम पुलिस स्टेशन में इस बार केस दर्ज करवाने वाली है। अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार सुमन के इस कदम के साथ देविका की सच्चाई सबके सामने आ पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।